जी हाँ दोस्तों, आपने सही थंबनेल में देखा है कि वर्ग 1 से 5 तक की भी बनेगी मेधा सूची। साथ में दोस्तों आपको नियोजन इकाई की तरफ से जो है लेटर जारी हो रहा है 1 to 5 के लिए, यानी हर एक नियोजन इकाई की तरफ से जारी हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NIS ऑनलाइन हब में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे 4 से 5 बड़ी अपडेट के बारे में, साथ में 1 to 5 के लिए जो भी इस वीडियो में बताएंगे, और जो नियोजन आपत्ति को लेकर जो ऑनलाइन निराकरण को लेकर जो अपडेट आ रहा है उसके बारे में भी अपडेट देंगे। साथ में आपको जो है आज जो है ट्विटर भी कैंपेन चलाया गया है, उसका भी अपडेट इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से लेटर को जारी किया गया है 20 तारीख के डेट में, आप यहां पर देखेंगे। और इसमें जो लिखा हुआ है सेवा में सभी प्रखंड को लिखा है, सभी फिर मुखिया को, पंचायत को लिखा है, और यहां पर आप देखेंगे लिखा है 1 to 5 के लिए यहाँ पर लिखा है कि जिला प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत 1 to 5 सामान्य उर्दू शिक्षकों के संबंध में यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये दोस्तों आप लोग बराबर जो है कमेंट करते थे कि सर 1 to 5 का क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे इसे जो है एक्सेल शीट पर बनाने का निर्देश दिया गया है। और हर एक जो नियोजन इकाई है उस तरह से लेटर जारी होगा। तो मैं अभी जो है 3-4 नियोजन इकाई का लेटर में दिखाऊंगा 1 to 5 के लिए, साथ में जो आज की अखबार में आई है उसका भी अपडेट यहां पर दूंगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को दोस्तों एक लाइक करना, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके लिए बराबर अपडेट ले आता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है कि उपयुक्त विषय निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना दिनांक 19-8 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दिए निर्देश के आलोक में अंकित करना है कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत 1 to 5 सामान्य उर्दू शिक्षक के नियोजन निदेशालय द्वारा नियोजन कार्यक्रम शीघ्र अपेक्षित एवं प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 नियोजन कार्यक्रम ससमय पर पूरा करने हेतु यह आवश्यक होगा कि सभी नियोजन इकाई समिति 1 to 5 हेतु प्राप्त सभी आवेदन डीएड बीएड सहित का एक अवधि मेधा सूची कंप्यूटर में एक्सेल शीट में 27-8-2020 तक तैयार कर लिया जाए, यानी 27-8-2020 तक जो है आपका जो 1 to 5 का है उसका भी जो है मेधा सूची कोर्ट की कार्रवाई आएगी उसको देखते हुए विभाग जो आगे के काम करेगी। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि हर एक नियोजन इकाई की तरफ से इस तरह का लेटर जारी हो रहा है। तो मैं अभी और एक लेटर यहाँ पर दिखाऊंगा आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मधुबनी का है, यहाँ पर आप देखेंगे ये मधुबनी का है, ये लेटर को भी जारी किया गया है। और यहाँ पर भी जो है वर्ग 1 to 5 के संबंध में इसमें बताया गया है, और जितने भी आपके मेधा सूची संबंधित है वो NIC की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि दोस्तों आपको पता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है मधुपुरा का है, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 to 5 के संबंध में ही लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे विषय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 बेसिक ग्रेड 1 to 5 की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में, ये भी जो है 20-8-2020 को ही लेटर को जारी किया गया है, यानी कल के डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रारंभिक पत्र के द्वारा निर्देश आज 19 इतना को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया था, यानी दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कुल मिलाकर कि 1 to 5 के लिए भी जो है नियोजन इकाई की तरफ से जो एक्सेल शीट तैयार में जो है आपका जो मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है। तो यहां पर आप लोग बराबर कमेंट करते थे कि सर 1 to 5 का क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आप लोग के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि 1 to 5 के लिए भी जो है एक्सेल शीट पर जो है शिक्षा विभाग अपनी काम कर रही है, और जैसे ही कोर्ट का रुख आती है तो आगे की जो है कार्रवाई, यानी आगे की जो बिहार नियोजन से संबंधित आपत्ति ऑनलाइन ली जाएगी, ये जो है प्राथमिक शिक्षक निदेशक डॉक्टर रंजीत जी का कहना है कि बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित आपत्ति ऑनलाइन भी ली जाएगी, ये जो है कहना है डॉक्टर रंजीत सर का, तक बनेगी अवबंधित मेधा सूची। यानी
जो है 6 to 8 के साथ जो है अब जो है 1 to 5 के भी प्रक्रिया में तेजी आ गई है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिले की प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियोजन वर्ष 19-20 के तहत वर्ग 1 से 5 तक की बहाली की अवधि मेधा सूची बनेगी। कोर्ट के आदेश के आलोक में तत्काल बहाली स्थगित है, मगर निदेशक ने निर्देश दिया है कि प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पूरी कर ली जाएगी नियोजन इकाई रखे मगर निदेशक ने निर्देश दिया कि प्रक्रिया पूरी कर नियोजन इकाई रखे ताकि नया नियोजन कार्यक्रम आते ही नियोजन किया जा सके। डीपीयू स्थापना ने बताया कि नियोजन इकाई एक्सेल शीट में आवंटित मेधा सूची बनाएगी। वर्ग 1 से 5 सामान्य और उर्दू शिक्षकों की मेधा सूची बनेगी। अब तक जितने भी आवेदन आए हैं डीएल और बीएड समेत सभी आवंटित मेधा सूची तैयार करने को नियोजन इकाई को रखेंगे। डीपीओ और वीडियो मीटिंग इसके मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी जिम्मेवार होगी। इससे समय पर पूरा करा जाएगा और सभी नियोजन इकाई के साथ ही नगर पंचायत और नगर जो है इकाई इसे करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो कि मुजफ्फरपुर से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि वर्ग 1 से 5 तक की भी बनेगी आवंटित मेधा सूची और ऑफिशियल लेटर भी जारी हो रहा है जैसा कि मैंने अभी दिखाया। तो आज जो है ट्विटर कैंपेन चलाया गया है, तो आप लोग इसमें भाग लीजिए क्योंकि ये बहाली कहीं ना कहीं जो है चुनाव की भेंट ना चढ़ जाए। तो आज जो है ट्विटर कैंपेन रखा गया है 7 बजे से, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा और जितने भी अपडेट्स आएंगे आपको इस चैनल पर दी जाएगी। तो आपको जो है कोई भी नियोजन इकाई का मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल लिस्ट जो है दिक्कत होती है तो नीचे में कमेंट करें दोस्तों, मैं आपको जो उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। और आप जो है नीचे में कमेंट करें कि आपको किस नियोजन इकाई का चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए या कोई भी परेशानी होती है तो नीचे में आप कमेंट करें, आपका सहायता ज़रूर ही किया जाएगा। साथ में दोस्तों हमारा जो जितने भी जो टेलीग्राम है, सोशल मीडिया का लिंक है नीचे में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और फिलहाल करंट अपडेट वहाँ से भी पा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।